हे गाइज वेलकम बैक और थैंक यू सो मच यार, आप जो कमेंट्स करते हैं और आप जो वीडियोस को लाइक कर रहे हो, एक बंदा इतना मोटिवेटेड हो रहा है कि चार चार बजे तक दो दो तीन तीन वीडियोस बना रहा है, क्योंकि यार आप इतना मोटिवेटेड करते हो जो यार मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे साथ ही नहीं गाइज, बहुत सारे मेरे जैसे और भी क्रिएटर्स हैं, उनको भी गाइज आप ऐसे ही सपोर्ट करो, कमेंट्स करो, अच्छे अच्छे मोटिवेटेड कमेंट्स करो, वीडियोस को लाइक करो और सबको यार सब्सक्राइब करो और मेरे को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे पोको एप 3 वर्सेस वन प्लस नॉट 2, इनके बीच में एक BGMI प्लस बैटरी प्लस हीटिंग का एक जबरदस्त टेस्ट हो जाए। तो आज अपन इस वीडियो में करने वाला है BGMI टेस्ट, और यहाँ पे दोनों भी फोन को मैं 100% चार्ज करूंगा और दोनों भी फोन का FPS डेटा आपको ड्यूरिंग वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसलिए कम्प्लीटली वीडियो को देखना, किसका जायरो बेटर देखने को मिलता है, किसका टच रिस्पॉन्स बेटर है, ये सब कुछ एवरीथिंग आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि स्टार्टिंग में बोला कि आप लाइक कर रहे वीडियोस को, ये मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है, और ऐसे ही आप सपोर्ट देते रहो, लाइक करते रहो। चलो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। सो गाइस, दोनों भी फोन को मैंने 100% चार्ज कर लिया है। लेफ्ट साइड में वन प्लस नॉट 2 है तो राइट साइड में पोको एफ 3 GT है। वन प्लस नॉट 2 में आपको 4500 mAh की बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलती है, तो पोको एफ 3 GT में आपको 5065 mAh की बैटरी कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दोनों भी फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसके साथ दोनों भी फोन में मैंने 100% ब्राइटनेस रखा है, ऑटो को यहाँ पे बंद कर दिया है। दोनों भी फोन में आपको सेम प्रोसेसर मेडिटेक डायमेंसिटी 1200 देखने को मिलता है, तो कितना परफॉर्मेंस ये निकाल के देते हैं, उसके साथ ये दोनों भी फ़ोन कितना हीटिंग को मैनेज करते हैं, ये यार सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को कम्प्लीटली देखना। सॉफ्टवेयर अपडेट चेक किया तो अभी फिलहाल कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट इन दोनों भी फ़ोन में नहीं आया है। तो गाइस बात करें इनिशियल टेम्परेचर की, मतलब VGMI खेलने से पहले इन दोनों फ़ोन का टेम्परेचर लगभग 35.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, पोको एफ 3 GT तो 33.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास था वन प्लस नॉट 2। तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं BGMI को, मतलब इंडियन पबजी को। और बात करें यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग की, मतलब ग्राफिक सपोर्ट की, तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, मतलब स्मूथ में आपको मैक्सिमम 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलेगा, बाकी बैलेंस HD, HDR, अल्ट्रा HD इनमें आपको बस अल्ट्रा का सपोर्ट मिलता है, मतलब 40 FPS का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी इनके साथ एक्सट्रीम का ऑप्शन क्यों इनेबल नहीं, आई डोंट नो। और 90 FPS कब आएगा ये भी यार पता नहीं, 90 FPS बहुत जल्द आए आशा करते हैं। तो गाइज दोनों भी फ़ोन में मैं सेम अकाउंट से पबजी मतलब BGMI खेलूँगा, क्योंकि रिजल्ट फेयर बन जाए, जो मेरा मेन अकाउंट है उससे ही दोनों भी फ़ोन में मैं अल्टरनेटिवली यहाँ पे BGMI खेलने वाला हूँ। तो ऊपर के साइड में सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं वन प्लस नॉट 2 में, तो ऊपर के साइड में आपको FPS मीटर देखने को मिल जाता है, उसके ऊपर नज़र रखना। तो स्टार्ट कर लेते हैं स्टॉपवॉच को और स्टार्ट कर लेते हैं पहले TDM मैच को। तो गाइज लिटरली बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है काफ़ी कमाल कर रहा है यार इसके साथ, वन प्लस नॉट 2 के साथ, मतलब एक सिंगल टाइम में भी मुझे कभी फ़ोन लैग हो रहा है या फ्रेम ड्रॉप्स हो रहा है ऐसा देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे मैं फोर फिंगर प्लस जायरो प्लेयर हूँ, कभी कभी जायरो को भी यूज़ करता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं यार, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ये हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पे FPS देख सकते हो 59 to 60 FPS कॉन्टिन्यूस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी इस फ़ोन का डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा है, तो कंट्रोल थोड़े से आपको अच्छे से लगाने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे बात करें 6 मिनट BGMI खेलने के बाद लगभग 38.2 या 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर अभी जा चुका है। तो बैक पैनल की बात करें बैक साइड से, तो 37.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये फ़ोन आ चुका है। तो रखते हैं इसको साइड में और सेम अकाउंट लॉगिन करते हैं पोको एफ 3 GT में और स्टार्ट कर लेते हैं पहला TDM मैच। तो पोको एफ 3 GT में आपको मैकेनिकल ट्रिगर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो मेरे को इतना आदत नहीं है यूज़ करने का, फिर भी बीच बीच में मैं यूज़ करूँगा। तो एक गेमिंग का ये बड़ा एडवांटेज आपको बड़ा पोको एफ 3 GT में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले गाइज को आपको बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, इसके वजह से जो एक्सपीरियंस है पबजी का और नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे हो जाता है। और गाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं पोको एफ 3 GT का जो जायरो है वो मुझे थोड़ा सा हल्का सा बेटर लगा वन प्लस नॉट 2 से, पता नहीं यार क्यों, बट सच में। और बड़ा डिस्प्ले का एडवांटेज भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं कभी कभी ट्रिगर से भी यहाँ पे फायर कर रहा हूँ, बट यार इतना मेरे को आदत नहीं है। बाकी ये फ़ोन कॉन्टिन्यूस 60 FPS को मेंटेन करके रख रहा है, कोई भी लैग नहीं, कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। मतलब एक 26,000 में नेक्स्ट लेवल का पबजी एक्सपीरियंस, वाह भाई वाह।
12 किल 13 किल भाई क्या है गजब लेवल का चाह रहे हो यार पोको F3 GT का। तो लगभग यहाँ पे इसमें भी 5-6 मिनट हो चुके हैं BGMI खेल के। बात करें इसके टेम्परेचर की तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच चुका है। तो OnePlus Nord 2 से 2 डिग्री सेल्सियस अभी भी ज़्यादा हीट है पोको F3 GT। तो मज़ा आ गया यार दोनों ही फ़ोन में पहला TDM मैच खेल के, सच में मानना पड़ेगा। बट यहाँ पे हल्का सा फ़ोन का जो मेटल फ्रेम है ऊपर के साइड में जहाँ पे टॉप ट्रिगर है थोड़े से हीट हो चुके हैं पोको F3 GT में, तो महसूस हो रहा है। बट ऐसा कुछ भी महसूस आपको OnePlus Nord 2 में देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे OnePlus Nord 2 में वही सेम अकाउंट मैंने फिर से लॉग इन किया और अभी होगा असली टेस्ट। यहाँ पे Xenox Plus बूट कैम और कितने फ़ोन लैग होते हैं ये हम चेक करेंगे। तो FPS के ऊपर ध्यान देना, FPS भी आपको फ़ोन के साइड में मतलब टॉप साइड में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहला मैच यहाँ पे Xenox Plus बूट कैम। डायरेक्ट बूट कैम में यहाँ पे लैंड करेंगे। तो यार आज तक जितने भी सारे फ़ोन मैंने टेस्ट किए हैं कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा तो लैग देखने को मिलता था यहाँ पे जब हम बूट कैम में चले जाते थे। तो ये फ़ोन लैग होता है कि नहीं ये यार एक इंटरेस्टिंग बात रहेगी। तो चलते हैं डायरेक्ट बूट कैम में। तो देख सकते हो 59 58 58 कॉन्टिन्यूस मेंटेन करके रख रहा है, 60 FPS 58 50 60 50 60 60 65 लैंडिंग टाइम, कोई दिक्कत नहीं, 59 पे आ गया फिर से। वाह भाई क्या है गजब, मतलब दिल आ गया यार इन दोनों भी फोन के ऊपर। इतने सारे बंदे आ गए थे यहाँ पे बूट कैंप पे, कुछ भी लैग नहीं है और चाहे कितने भी हजार बंदे सामने आ जाए फिर भी फोन लैग नहीं हो रहा, मतलब कमल है भाई की मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का गजब का परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है ये प्रोसेसर, मानना पड़ेगा यार। और अभी भी मुझे हीट बिल्कुल कुछ महसूस यहाँ पे नहीं हो रहा है। बंदा भाग रहा है, दिक्कत यही है गाइस OnePlus Nord 2 में, इसका डिस्प्ले ना छोटा है 6.43 इंच आई थिंक, हाँ तो यही है यार, मतलब थोड़ा सा छोटे डिस्प्ले में ना खेलने का मज़ा नहीं आता, मतलब हर एक की चॉइस अलग अलग होती है। मेरे को तो पर्सनली वही हो रहा है, कंट्रोल मेरे मतलब जो कंट्रोलर्स है वो अच्छे से यहाँ पे फिट नहीं हो रहे, कुछ भी मैं प्रेस कर रहा हूँ कहाँ जाएगा। ओके तो गाइस ये कोई यार ढीला फोन नहीं है, मतलब मराठी में बात कर रहा हूँ, बट गाइस नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल जो BGMI का परफॉर्मेंस है सच में, मानना पड़ेगा मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 को। कितने बार मैं यहाँ पे बूट कैम में आया सिंगल टाइम मुझे कभी फ्रेम ड्रॉप या लैग देखने को मिला है, मतलब फ़ोन पूरा ऐसा ठंडा हो गया, पूरा स्क्रीन स्टक हो गया, कभी भी नहीं, एक सिंगल टाइम में भी नहीं। पीछे से मारता है साला। तो लगभग यहाँ पे देख सकते हो 41.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास फोन पहुँच चुका है। लगभग यहाँ पे मैं 50 मिनट से भी ज़्यादा इसमें BGMI खेल रहा था। उसके बाद वही सेम अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं अपने पोको F3 GT में और देख लेते हैं ये फ़ोन कैसे परफॉर्म करता है, उसके साथ कितना हीट होता है। वही सेम Xenox Plus बूट कैम। तो यहाँ पे OnePlus Nord 2 ने बहुत अच्छे से FPS को मेंटेन करके रखा, एक सिंगल टाइम में भी ड्रॉप मुझे देखने को नहीं मिला FPS में। बहुत टाइम में उतरा बूट कैम में बट कोई दिक्कत नहीं। तो देख लेते हैं पोको F3 GT कैसे यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो इसमें भी 59 कंटिन्यूस मेंटेन करके रख रहा है, 57 60 FPS 59 और लैंडिंग के टाइम में 57। वाह भाई वाह, इतने सारे बंदे आने के बावजूद भी बिल्कुल यहाँ पे यार FPS में मुझे कुछ भी कमी देखने को मिल रही है, कुछ भी कमी नहीं, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे दोनों भी फ़ोन मेंटेन करके रख रहा है। बट कहीं ना कहीं यार जो PUBG का या BGMI का एक्सपीरियंस है वो आपको हल्का सा बेटर पोको F3 GT में ही देखने में मिलेगा, क्योंकि ट्रिगर्स प्लस इसका बड़ा डिस्प्ले है और उसके साथ थोड़ा सा बेटर जा रहा हूँ मुझे पोको F3 GT में ही देखने को मिलता है।
तो यार मतलब, और दोनों भी फ़ोन में सेम सेंसिटिविटी है जायरो की, मतलब सब कुछ सेम है, फिर भी थोड़ा सा हल्का सा बेटर जायरो मुझे ओके एप 3GT में देखने में मिलता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। और यहाँ पे बाकी दोनों भी फ़ोन में आपको सेम ही पबजी का एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब एक केस में कोई ड्रॉप देखने को नहीं मिलेंगे, परफॉर्मेंस पबजी का सेम ही है दोनों भी फ़ोन में, और जायरो वगैरह जो है वो थोड़ा सा हल्का सा बेटर मुझे पोको F3 GT में देखने में मिला। बाकी बैटरी कितना ड्रॉप होता है ये भी हम चेक करेंगे। अरे यार ओ शिट, तो यहाँ पे भी इसमें भी लगभग 40-45 मिनट्स तक पबजी खेला, उसके बाद ये फ़ोन मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा चुका है, मैक्सिमम मैक्स, तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रख रहे हैं दोनों भी फ़ोन हीटिंग को। बट यहाँ पे पोको F3 GT में मेटल जो है ऊपर का थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे कैमरा के साइड में फ़ोन हीट हो चुका है, और महसूस हो रहा है कि यार कुछ तो गर्म लग रहा है, जब आप ट्रिगर वगैरह प्रेस करोगे तब आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा हीट यहाँ पे हो चुका है। बाकी यार दोनों भी फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है नेक्स्ट लेवल का है यार, मतलब मज़ा आ गया, लिटरली गाइस मज़ा आ गया। तो यहाँ पे गाइस बात करें बैटरी ड्रॉप की, तो 21% बैटरी ड्रॉप हुआ है लगभग पबजी खेलने के बाद यहाँ पे वन प्लस नॉट 2 में, और पोको F3 GT में लगभग 18% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। ये बेटर बैटरी लाइफ पबजी का नॉट 2 में ही देखने में मिल सकता है सच में, तो यहाँ पे ज़्यादा बैटरी ड्रॉप होता है पोको F3 GT में। बाकी ओवरऑल पबजी का जो एक्सपीरियंस है दोनों भी फ़ोन में बहुत ज़्यादा बेस्ट आपको देखने में मिलेगा। फिर भी आपको ओनली पबजी के लिए ही फ़ोन लेना है तो मैं सजेस्ट करूँगा पोको F3 GT, क्योंकि बड़ा डिस्प्ले है और कहीं ना कहीं हल्का सा जायरो मुझे थोड़ा जायरो बेटर देखने को मिला, और मैकेनिकल ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं, तो इसके कुछ ये एडवांटेजेस है। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद दोस्तों।